ओम श्री साई राम। श्रद्धा हो सबूरी साई बाबा के चमत्कार। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है साई भक्तों का पावन धाम, जिसकी मान्यता है कि वहां पर जाने और साई बाबा के दर्शन मात्र से उनकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पावन धाम में साई बाबा का एक विशाल मंदिर है, जिसे विश्व के अमीर मंदिरों में से एक जाना जाता है, जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई बड़ी राशि का चढ़ावा साई के चरणों में समर्पित करता रहता है। दरअसल साई बाबा के इस पावन स्थान से कई ऐसे चमत्कार जुड़े हैं, जिन्हें जानने के बाद हर कोई उनके दरबार में खिंचा चला आता है। यूं तो शिरडी के साई बाबा से जुड़े सैकड़ों चमत्कार हैं और नित नए उनके भक्तों को दिखाई देते भी रहते हैं, लेकिन आज हम जानते हैं बाबा के वो बड़े चमत्कार, जिनके चलते पूरी दुनिया में उनका नाम हर कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ जपता है। सूखे कुएं का भर गया पानी। बाबा के तमाम चमत्कारों में से यह किस्सा तब का है जब बाबा शिरडी पधारे थे। कहते हैं कि उन दिनों वहां पर पानी का बहुत अभाव था। वहां पर कुएं लगभग सूख से गए थे। पानी का स्तर नीचे होने के कारण शिरडी के लोगों को पानी के लिए बहुत दिक्कत होती थी। जब लोगों ने यह समस्या साई बाबा को बताई तो उन्होंने अपने भक्तों को एक बूंद उनकी हथेली पर रखी और उसे कुएं में डालने को कही। आश्चर्यजनक तरीके से वह बूंद फूल में बदल गई। इसके बाद वह फूल कुएं के पानी के जल स्तर को बढ़ाते हुए पानी के साथ बाहर आ गए। जब थम गई बारिश, उस समय के राय बहादुर अपने परिवार समेत बाबा का दर्शन करने पहुंचे। दर्शन के बाद जब वे अपने घर आ जाने लगे तो तेज बारिश होने लगी। उनका जाना बहुत जरूरी था, ऐसे में उन्होंने बाबा से गुहार लगाई कि वे बारिश को रोक दे और सुरक्षित उन्हें घर पहुंचा दे। इतना कहना ही था कि आश्चर्यजनक तरीके से बारिश कुछ ही देर में रुक गई। जलती फसल की बुझाई आग। मान्यता है कि एक बार शिरडी में बहुत अच्छी फसल हुई थी। बाबा का एक भक्त जब उनके पास पहुंचा तो बाबा ने उससे कहा कि तुम्हारे खेत में आग लग गई है। उसने जाकर देखा तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। वह फिर उनके पास लौटकर आया और बाबा को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। बाबा ने फिर उसे एक बार जाने को कहा। जब वह गया तो उसने अपने खेत में आग लगी पाई। उस भयानक आग को बुझाने में जब गांव के लोग असफल हो गए तो बाबा ने हाथ में पानी लेकर एक बार में आग बुझा दी। काली गाय का दूध। एक बार साईं बाबा के गुरु विंकुश ने उन्हें काली गाय का दूध लाने को कहा तो वे काफी देर तक उसे खोजते रहे। जब उन्हें काली गाय मिली तो पता चला कि वह दूध नहीं देती है। इस पर साईं बाबा ने उस गाय पर हाथ फेर उसके मालिक से कहा, धोए कर देखो, ये दूध देगी। आश्चर्यजनक तरीके से गाय ने दूध दिया और वह उसे अपने गुरु के पास ले गए। नीम पर लगे मीठे फल। शिरडी में साईं बाबा एक नीम के पेड़ के नीचे योगासन लगाया करते थे। कहते हैं कि जब बाबा को भिक्षा नहीं मिलती थी तो वह नीम की कड़वी निबोलियां चबाया करते थे। मान्यता है कि इस नीम के पेड़ के आधे भाग में कड़वी और आधे भाग में मीठी निबोलियां निकलती हैं। बच्ची को डूबने से बचाया। कहते हैं कि एक बार किसी दिन साल की बच्ची कुएं में गिर गई। वह बच्ची साईं बाबा की प्रिय थी, जो खुद को बाबा की बहन बताया करती थी। जब लोग भाग कर कुएं के पास पहुंचे तो किसी अज्ञात हाथों ने उसे थाम रखा हो। जल्द ही लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया। माना जाता है कि साईं की कृपा से वह डूबने से बच गई। ये थे श्री साईं बाबा के चमत्कार। श्रद्धा हो सबुरी। ओम साईं राम।